फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एमटीवी के शो हसल में खूब शोहरत बटोर रहे हैं एससी स्क्वायर अभिषेक बैसला। पलवल के भवाना के रहने वाले एक किसान के बेटे ने शो में मचा रखी है धूम। पलवल बैसलात के भवाना गांव निवासी अभिषेक बैसला एमटीवी द्वारा आयोजित हसल 2.0 कार्यक्रम में रैपर सिंगर एमसी स्क्वायर के नाम से हिस्सा ले रहे हैं। एमसी स्क्वायर का चयन टॉप 16 में किया गया है। शनिवार रविवार को आए कार्यक्रम में अभिषेक द्वारा प्रस्तुत किए गए बदमोश छोरा गाने को खूब पसंद किया गया। रैपर किंग बादशाह ने उनके गाने को खूब सराहा। गांव भवाना के एक किसान परिवार में जन्मे अभिषेक बैसला सिविल इंजीनियर है और उनके पिता अशोक नंबरदार सहकारी चीनी मिल में नौकरी करते हैं। अभिषेक ने रैप में अपनी किस्मत आजमाई और एमटीवी द्वारा दिल्ली में आयोजित ऑडिशन में हिस्सा लिया। ऑडिशन में अभिषेक का चयन हुआ और उन्हें मुंबई के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर उन्होंने अपने रैप से धूम मचा रखी है। उनका रैप रोम रोम यूट्यूब पर छाया हुआ है। फरीदाबाद में चचेरे भाई की तरक्की से नाखुश चचेरे भाई ने चचेरे भाई की कार को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। फरीदाबाद में चाची और उसके बच्चों की तरक्की से नाखुश भतीजे ने चाची के लड़के की लाखों की गाड़ी को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी अब उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। बता दें कि इस घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले उसके दो अन्य सहयोगियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें फरीदाबाद के बुड़ैना गांव की हैं, जहां पर एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर खड़ी हैरियर कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार से है। कार के मालिक ने बताया कि आरोपी दीपक उनके ताऊ का लड़का है और जो उनकी तरक्की देखकर खुश नहीं है, इसी के चलते उसने उनकी गाड़ी को देर रात पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। नोएडा में निर्माणाधीन दीवार गिरी, 4 मजदूरों की मौत, 7 हुए घायल। नोएडा के डीसीपी अजीत चंदन ने बताया कि सुबह 9:40 पर हादसा हुआ। 12 मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर मलबे की चपेट में आए और 4 की मौत हो गई। बाउंड्री वॉल के नीचे नाले में सफाई चल रही है, इसी दौरान बाउंड्री वॉल नीचे आ गई। लीगल एक्शन लिया जा रहा है, सभी मजदूर बदायूं के रहने वाले हैं। बचाव कार्य में बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। हादसा होते ही पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का अंजाम दिया।